नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। आज है बुधवार का दिन, वीकेंड नहीं होने के बावजूद आज आईपीएल के दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला का जो प्रीव्यू है वो हमारे चैनल पर जा चुका है, तो अब बात करते हैं जो मुकाबला शाम में खेले जाने वाला है। पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस भिड़ेंगे आमने सामने। इस सीजन में दूसरी बार दोनों टीमें आमने सामने भिड़ेंगी। पहला मुकाबला इन दोनों के बीच वानखेड़े में खेला गया था, जहां 215 रनों का लक्ष्य दिया था पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को, और मुंबई इंडियंस मुकाबला हार गई थी। तो मेरे साथ है संजय दिवाकर जी, क्या कहना चाहेंगे आप प्लेइंग 11 के बारे में? अगर पंजाब किंग्स की मैं बात करूँ तो पंजाब की जो प्लेइंग 11 है वो एग्जैक्टली सही है, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है पंजाब को, मुझे जितना लगता है। क्योंकि शिखर धवन का था, क्योंकि वो इंजर्ड चल रहे थे और अब पिछले मैच में वो उन्होंने कमबैक करा और माना फॉर्म में अभी ऊपर नीचे है, लेकिन उन्होंने पहला जो मैच था उनका उसमें बहुत अच्छी पारी खेली थी। तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब अपनी प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस करेगा अगर कोई इंजरी नहीं होती तो। जी, और आप मुंबई इंडियंस के बारे में बताइए। अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस अर्जुन तेंदुलकर को जरूर वापस लेकर आएगी, जो कि पिछले मैच में उनको नहीं खिलाया गया था। जी, कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की जो कमजोरी है वो उनकी गेंदबाजी है। बल्लेबाजी में अगर आप देखोगे तो उन्होंने हर बार 200-200 तक के करीब पहुंचे हैं, माना एक दो बार चीज नहीं हो पाए लेकिन करीब जरूर पहुंचे हैं। अगर 230-235 अगर टारगेट मिलता भी तो उसको चेज करने का जो दम रखती है वो केवल मुंबई इंडियंस के पास है, क्योंकि उनके पास खिलाड़ी इस तरीके के हैं। ओपनिंग रोहित शर्मा, ईशान किशन, उसके बाद में आप कैमरेज ग्रीन उठा लीजिए, उनके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और टीम डेविड। जो टीम डेविड ने पिछले मैच में इतनी अच्छी बल्लेबाजी करी है, उससे तो कोई शक ही नहीं है कि मुंबई इंडियंस 235-240 तक का स्कोर आराम से चेज कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की जो सबसे बड़ी चिंताजनक है वो है गेंदबाजी और स्टार्टिंग में ओपनिंग। ओपनिंग एक अच्छी मजबूत अगर उन्हें मिले तो वो जरूरी है कि वो अच्छे से टारगेट, कोई भी बड़ा टारगेट हो उसको चीज कर सकते हैं। जी वही, उनको अपनी गेंदबाजी पे जरूर काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, गेंदबाजी जैसा दिवाकर जी ने कहा कि गेंदबाजी बहुत जरूरी है मुंबई इंडियंस के लिए, उस पर काम करना। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े नाम तो है आपके पास, आप जोफ्रा आर्चर ले लीजिए, जेसन बैरन डॉफ ले लीजिए, लेकिन कोई भी उस फॉर्म में आपके लिए गेंदबाजी करके नहीं दे रहा है। जोफ्रा आर्चर बहुत एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। आप अगर देखें रायली मेरेडिथ को अगर आप लेके आते हैं वो भी एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। वही अगर हेड टू हेड की बात करें तो मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स ने अभी तक आपस में 30 मुकाबले खेले हैं और बिल्कुल बराबरी की टक्कर रही है। 15 मुकाबले मुंबई इंडियंस के नाम रहे हैं, तो वही 15 मुकाबले में पंजाब किंग्स को जीत मिली है। तो कल एक तरह से दिवाकर जी, जैसा कि पिछला मैच जब इन दोनों के बीच हुआ था तो उसमें शिखर धवन अवेलेबल नहीं थे, तो आज का मुकाबला जो होने वाला है कहीं ना कहीं हम रोहित शर्मा वर्सेस शिखर धवन देखने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि रोहित शर्मा वर्सेस शिखर धवन, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोहित शर्मा फॉर्म में है, भले पिछले एक दो मैच में उनकी पारी नहीं है लेकिन उससे पहले मैच में उनकी जो पारी है जी, वो बहुत अच्छी रही थी। कन्वर्ट नहीं कर पा रहे लेकिन 30-40 रन बना रहे जी, लेकिन वो एक अच्छी स्पीड पे बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि 30-40 रन बना रहे तो वो रनर बॉल के हिसाब से हो, लेकिन वो अच्छी स्पीड से रन बना रहे हैं। तो वहीं पे शिखर धवन को अगर आप लीजिए, एक तो वो इंजरी से आ रहे हैं, ऊपर से उनके पास बल्ले से रन नहीं आए, तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का ऊपर पर्रावारी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, और कप्तानी में भी रोहित शर्मा के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। और प्लेइंग 11 की भी हम बात करें तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। जी, लेकिन वहीं पर अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी कहीं ना कहीं पंजाब की स्ट्रांग है। जिस तरीके से अर्शदीप ने गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, लास्ट के दो विकेट में जो दो विकेट तोड़ी थी वो कोई नहीं भूल सकता। बिल्कुल, और डेफिनेटली है कि कहीं ना कहीं बॉलिंग में जरूर पंजाब आ गया है। जी, कगिसो रबाड़ा भी है पंजाब किंग्स में गेंदबाजी के लिए, सैम क्यूरन भी है। हालांकि सैम क्यूरन के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि इस आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं। 18.5 करोड़ में उन्हें पंजाब किंग्स ने अपने टीम में लिया था। अभी तक उन्होंने अपने प्राइस टैग को क्या जस्टिफाई किया अपने परफॉर्मेंस? यस, काफी हद तक किया है, क्योंकि अगर आप पिछला मैच उठाएंगे तो उन्होंने जिस तरीके मुंबई के खिलाफ जो बल्लेबाजी की थी, उन्होंने एक 50 रन की जो पारी खेली थी वो बहुत ही क्रूशियल पारी थी, जो कि पंजाब को एक अच्छे टोटल की तरफ, ना कि टोटल की तरफ लेगी थी बल्कि मैच भी जिता पारी थी वो उनकी, और उन्होंने गेंदबाजी में भी अच्छी गेंदबाजी की थी। तो सैम करन कहीं ना कहीं है कि हाँ, सैम करन ने जिस तरीके से अपनी बॉलिंग में, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है एक आधा मैच, पर उन्होंने काफ़ी अपने आप को जस्टिफाई किया, और बाकी आने वाले मैचों में तो है ही। जी, और वहीं अगर हम बात करें कि दूसरे जो सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी बिके थे, कैमरून ग्रीन, जिन्हें मुंबई इंडियंस से 17.5 करोड़ में खरीदा था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके स्टार्टिंग के मैच भले ही इतने अच्छे नहीं रहते, स्टार्टिंग के अगर आप मैच उठाएंगे तो वो उसी तरीके से अग्रेसिव के तौर पे खेलने के देख रहे थे, लेकिन 2-3 मैच के बाद उन्होंने अपनी पारी को लंबा खींचा है, लंबा लेकर गए हैं। भले ही स्टार्टिंग में उन्होंने स्लो स्टार्ट किया है, बाद में उन्होंने अपनी पारी को लंबा लेकर गए हैं, लंबा खेले हैं,
लेकिन अगर आप देखोगे कि कैम्ब्रिज ग्रीन के पिछले 3-4 पारी उठाकर तो उनकी बहुत ही अच्छी है, रन रेट भी अच्छा है, सॉरी माफ कीजिए स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, और उन्होंने अच्छी पेस पर कई किए रन और साथ में एक लंबी पारियां खेली हैं और मैच जिताऊ पारियां खेली पिछले 2-3 मैच में। तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजी में अपने प्राइस को अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हैं, गेंदबाजी अभी थोड़ी सी उनकी हल्की है। गेंदबाजी में तो अगर हम देखें तो सैम करन भी गेंदबाजी में अभी तक हल्के रहे हैं, बल्लेबाजी दोनों ने अभी तक ठीक ठाक प्रदर्शन दिखाया है बल्लेबाजी में। तो आप भी हमें ऐसे ही कमेंट सेक्शन में अपनी प्लेइंग 11 जरूर बताइएगा, हम आपके साथ लाइव पर शाम में आएंगे तो लाइव पर वो डिस्कस जरूर करेंगे। एक सवाल मैं जो आपसे लेना चाहूंगा जी बिल्कुल, कि अर्जुन तेंदुलकर के बारे में आप क्या कहेंगे कि अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने डेब्यू करवाया इतने लंबे समय के बाद, वो जिस तरीके से उन्होंने 2-3 मैच खेले हैं, क्या आपको क्या लगता है कि अर्जुन तेंदुलकर को इतने लंबे समय के खिलाने के बाद क्या वो सही है और इंतजार करवाना चाहिए था? जी अगर मैं बात करूं अर्जुन तेंदुलकर को जिस सिचुएशन में डेब्यू कराया गया था वहां मेरे हिसाब से और कोई दूसरा विकल्प था नहीं, इसीलिए अर्जुन तेंदुलकर को मौका दिया गया जहां तक मुझे याद है। तो क्योंकि क्या वो मौका बना पाए हैं, क्या वो अपने आप को साबित कर पाए हैं? अभी तक तो मैं कहूंगा कि अभी तक तो नहीं किया है साबित, लेकिन अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस है अर्जुन तेंदुलकर के लिए। अभी तक उन्होंने इस सीजन में भी अगर देखें तो शायद 3 ही मैचेस खेले हैं अभी तक, और जी बिल्कुल अभी उन्हें टाइम लगेगा ग्रूम करने में, और मुंबई इंडियंस की टीम जानी जाती है प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए। तो वहीं पर अगर आप देखोगे तो कुणाल पांडे और हार्दिक पांडे उन दोनों को भी मुंबई इंडियंस ने इसी तरीके से ग्रूम किया बिल्कुल, था बिल्कुल। और उनको लेकिन यह है कि मुंबई इंडियंस ने उनको इतना इंतजार नहीं करवाया जितना इंतजार अर्जुन तेंदुलकर को करवाया गया था जी, उनको अच्छे तरीके से कहते ना पका कर लेकर आना, वो चीज है। और वही चीज सूर्य कुमार यादव की जब इंडियन टीम में आए थे वो, तो वो चीज थी जी। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हाँ अर्जुन तेंदुलकर को थोड़ा सा ही है कि उनको अपने उस पर काम करना होगा, वरना अर्जुन तेंदुलकर बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी अगर आप देखोगे जी, तो शुरुआत के ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी डालते हैं, डेथ ओवर्स में थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। रोहित शर्मा को स्टार्टिंग में ही अगर आप पिछले मैच में देखोगे तो रोहित शर्मा सिर्फ केवल 2 ओवर ही करवाए उनसे स्टार्टिंग में, लास्ट में नहीं उनसे ओवर करवाए बिल्कुल, और उससे पहले मैच में उन्होंने रोहित शर्मा ने उनसे 4 ओवर पूरे करवाए थे बिल्कुल, और हम वो ओवर कैसे भूल सकते हैं जिस ओवर में उन्होंने 31 रन सैम करन ने 31 रन मारते। हाँ तो जी बिल्कुल इनका भी कहना बिल्कुल सही है कि अर्जुन तेंदुलकर आज मुझे लगता है अर्जुन तेंदुलकर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, तो मैं भी यही देखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि उनके अगर 4 ओवर्स के भी कोटे करवाने हैं तो शुरुआत में ही आप करवा दें, डेथ ओवर्स में उनके लिए नहीं रखें क्योंकि उनकी गेंद अभी उतने पेस से आती नहीं है और डेथ ओवर्स में आप बैट्समैन को चांस दे नहीं सकते बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपनी प्लेइंग 11 जरूर बताइएगा और प्रेडिक्ट भी कीजिए कि कौन जीतने वाला है ये मुकाबला, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।